की है, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द डिस्टेंस ऑफ द ए पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम -3,0 एज वेल एज फ्रॉम 3,0 आर 4। अच्छा x y क्या, इससे और इससे डिस्टेंस जो है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पर x एंड y के वैल्यू को। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई फ्रॉम A जिसका कोऑर्डिनेट है -3,0 एज वेल एज फ्रॉम 3,0 आर 4। देखिए इस पॉइंट के, इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस 4 दिया है, यहाँ पर पी ए भी 4 दिया हुआ है और पी इसको क्या ले लेते हैं, पी बी ले लेते हैं, यहाँ बी भी, ये भी 4 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग लगा देंगे यहाँ पर वैल, स्क्वायर कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग दोनों को, ठीक है। स्क्वायरिंग करने से देखिए हो जाएगा इधर पी ए का स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर, इधर पी बी का स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर। तो देखिए P और ये पॉइंट है, तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस माइनस थी तो +3 कर लेते हैं और प्लस y -0 का स्क्वायर इक्वल टू में 4 का स्क्वायर, ठीक है। और उस इसको आप ऐसे लिख दो x स्क्वायर प्लस का, इसको तोड़ेंगे तो 6x और प्लस का 9 और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में 16। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा आपका 16। यानी हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 16। इक्वेशन सेकंड, अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का वाई स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ देखो दोनों का वैल्यू 16 ही दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ये आके इधर आके प्लस का हो जाएगा, है ना जी। यहाँ आप देखो तो 9 से 9 भी कट जाएगा, ये आके इधर 12x इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू 0/12 यानी x का 0 आ जाएगा। तो x का 0 आ गया तो y का निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, putting the value of x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 0 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 16, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ये 0 होगा, ये 9 को उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 को इधर ले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, स्क्वायर जाएगा रूट में प्लस माइनस लगेगा तो रूट प्लस माइनस 7, देयरफॉर एक्स का वैल्यू 0 हो गया और वाई का वैल्यू प्लस माइनस रूट 7 आ गया, ठीक है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5।